तो यार अभी जस्ट मैंने इमेच्योर सीरीज का सीजन 2 देखा और ये एक शॉर्ट सीरीज था, लेकिन ये शॉर्ट सीरीज तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देगी लाइफ के बारे में। इनफैक्ट तुमने स्कूल लाइफ में क्या सारी बकचोदी की थी वो सब तुमको इस वाली सीरीज को देखने के बाद याद आएगा। अब सिर्फ सीजन 2 को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीजन 1 को नहीं देखा होगा। तो देखो ये इमेच्योर जो है ये TVF की तरह से एक मिनी सीरीज है, लेकिन इस वाले सीरीज में काफ़ी सारी फन वाली चीज़ें हैं, लाइक स्कूल लाइफ की स्टोरी है, स्कूल लाइफ में क्या सारी बकचोदी होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स मिलके क्या सारे कांड करते हैं, लाइफ में अगर लड़की आ जाती है फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को इमेच्योर सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में मिला के देखने को मिलेगा। नाउ अब इस वाले सीरीज में बेसिकली 3 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ध्रुव, कबीर और सुसु। अब तीनों का नेचर काफी ज्यादा डिफरेंट है लेकिन अगेन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये तीनों मिलकर काफी सारी बकचोदी करते रहते हैं। अब सीजन 1 में क्या होता है, ध्रुव की लाइफ में एक लड़की आ जाती है, उस लड़की का नाम होता है छवि, फिर उसके बाद वो लोग दोनों रिलेशनशिप में चल जाते हैं, प्यार मोहब्बत भांग भूसड़ा वो सारी चीजें होता है। लेकिन सीजन 2 में छवि जो है वो कोटा चल जाती है और उसके बाद सीजन 2 में कांड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड से ये दिखाया जाता है कि स्टूडेंट के लाइफ में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आता है। एपिसोड 2 और 3 में जो है ध्रुव का लाइफ बिल्कुल बेकार चल रहा होता है, उसका ब्रेकअप भी हो जाता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दोनों के बीच में वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से वो लोग जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। ना ब्रेकअप होने के बाद ज्यादातर लोगों का क्या हाल होता है, वो अपने आप में बिजी रहने लगते हैं, खोए हुए रहते हैं, मतलब सैड फील करते हैं। तो अगर तुम लोग में से कोई भी इस सिचुएशन से जूझ रहा है तो भाई इस सीरीज को के देखो क्योंकि इस सीरीज में काफी अच्छी सारी चीजें दिखाई गई है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप या ऐसा कुछ हुआ है या फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम सैड फील कर रहे हो, कैसे तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ तुम एंजॉय करोगे। जरूरी नहीं है कि लड़की होना चाहिए, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी मजे कर सकते हो, मतलब वो वाला मजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जब सही टाइम आएगा लाइफ में तो फिर लड़की भी आ जाएगी अगर आने का रहेगा तो। अब सेम चीज ध्रुव के साथ भी होता है, दूसरी लड़की आ जाती है जिसका नाम छाया होता है, फिर उसके साथ भी प्यार मोहब्बत होता है, फिर क्या वो लोग बकचोदी करते हैं, वो लोग एज ए फ्रेंड की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट तक जो है मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो तुम लोग सीरीज को देखो फिर समझ पाओगे, मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं तुम लोग के लिए। तो अगर तुम लोगों ने इमेच्योर का सीजन 1 सीजन 2 या फिर सीजन 1 देख लिया, सीजन 2 देखना रह गया है तो जाके देखो, काफी मस्त सीरीज है, मेरे को तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। इनफैक्ट TVF का जितना भी सीरीज है तुम लोग आंख बंद करके देखने जाओ, तुम लोगों को कुछ ना कुछ लाइफ लेसन मिलेगा ही। और बट TVF के पास ना सीरीज का खजाना, आई थिंक मूवी भी अब TVF को निकालना चाहिए। तो ये सीरीज मेरे को काफी पसंद आया, तुम लोग जाके देखो, एकदम हाईली रिकमेंड मैं करता हूँ। और अगर तुम लोगों ने इस सीरीज का दोनों ही सीजन को देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। फिलहाल बस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में।